तो भाई साहब अभी हम भाई के घर से पैदल निकल चुके हैं, मतलब अराउंड हमने 5-6 किलोमीटर पैदल कवर कर लिया है और मेन रास्ता अभी श्रीनगर के लिए सामने ही दिख रहा है। तो अभी चलते हैं अभी मेन रास्ते पे। कैसा लग रहा है पैदल चल के? मज़ा आ रहा है। तो मज़ा तो आ रहा है बट अभी चलते हैं आगे, फिर आपको अपडेट देते हैं हम कि आज का स्टे कहाँ पे होगा। ओके जी, तो भाई साहब दिन की तीसरी लिफ्ट मिल रही है और ये जो तो पहले लिफ्ट मिली थी, अब देखते हैं ये भाई साहब कहाँ तक छोड़ते हैं हमें। 20 किलोमीटर हम पैदल चले थे लिकीर से, बट किस्मत अच्छी है 250 किलोमीटर के लिए डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई है यार। और ये भाई जा रहे हैं जम्मू और हमें श्रीनगर छोड़ देंगे, तो देखते हैं यार। और आप भी देखिए कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो भाई लोगों अभी हम कारगिल में हैं और हमने कैंप लगाया था और रास्ते में ही यार हमारे राजस्थान के भाई लोग मिल गए। तो अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और अभी कुछ खाने में बन रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जी भाई जी, आपका नाम क्या है? अनवर हुसैन नाम है मेरा। अच्छा, आप कहाँ से हो? राजस्थान में? कोटा राजस्थान से। अच्छा जी, और आपका भाई जी नाम? चेतन महावर। अच्छा, और क्या आप क्या करते हो वैसे राजस्थान में? मैं राजस्थान में कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, और ये भाई जी एक और हैं, ये भी राजस्थान से ही हैं? राजस्थान से ही हैं। हाँ, आपका नाम क्या है जी? शोकत नाम है। और क्या क्या काम करते हो वहाँ पे? फर्नीचर का काम है हमारा। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये एंजॉयमेंट के लिए आए थे तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जो चल रहा है हमारा, ये हमारा गोश्त बन रहा है और अभी हम इसको खाएंगे, 2 घंटे बाद बना देंगे। तो ये भाई लोग हमें ना रैंडमली मिल गए थे, हमने यहाँ पे क्या नाम है आँख लगा रखी थी और क्या नाम है हम मैगी वैगी बना देते, तो एकदम से आई है भाई लोग और हमसे पूछने लगे कि यार हम खाना वाना बना सकते हैं। तो हम तो यार वैसे भी थोड़ी देर में बुझाने ही वाले थे यार, तो फिर हमने यार वैसे भी अपने एरिया के लोग मिल जाए तो यार बात ही अलग हो जाती है ना। तो अभी इनसे थोड़ी देर और बात करेंगे तो दिखा देता हूँ अभी क्या बना रहे हैं। ये राजस्थान स्टाइल में ही देख सकते हो आप लोग, ज़बरदस्त तरीके से बनाई जा रही है। और इन भाई का क्या वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है मेरा? हनी 31 के नाम से, रंगवाड़ी रोड कोटा। अच्छा जी, वेज नॉन वेज? तो भाई लोग रेस्टोरेंट का नाम तो पता ही चल गया, कहाँ पे है ये वैसे? रंगवाड़ी रोड कोटा राजस्थान, हनी 31। तो भाई जी वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा और टेस्ट तो हम करेंगे कि भाई का हाथों का स्वाद कैसा है। जो चिकन बनाया था वो तो वो बेस्ट था, तो एक बार आप भी ट्राई करें इनके। फ्राइड चिकन था वो, एक बार आप भी जाके वहाँ पे ट्राई करें यार जो इन्होंने एड्रेस दिया है। तो अभी थोड़ी देर बात करते हैं आपसे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश एक और नए से व्लॉग में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और कल हम कारगिल में थे और आज हम हमीरपुर में हैं। तो सुबह हम थोड़ा सा पैदल चले थे एंड देन हमें 45 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई कारगिल के मोड़ से एंड अभी हम हमीरपुर में हैं और यहां से 170 किलोमीटर है श्रीनगर। तो देखते हैं आज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते श्रीनगर तक टारगेट कंप्लीट। तो जो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, नज़ारे दिखा देता हूँ पूरा, मतलब ये जो गांव है बहुत ही सुंदर गांव है। एक बार मैं आगे से नज़ारे दिखाता हूँ कि यार गांव कैसा है।
भाई साहब अभी हम पहुंच गए सोनमर्ग और ये बिल्कुल ये जन्नत जैसा लग रहा है। तो अभी यार श्रीनगर चलते हैं और देखते हैं कितनी देर हम पहुंचेंगे श्रीनगर। पीछे का व्यू मैं दिखा देता हूँ, व्यू देखिए। तो भाई लोग अभी हम घूम रहे हैं सोनमर्ग की मार्केट में और ये अभी चल रहे हैं आगे की तरफ। तो आपको भी दिखा रहे हैं हम मार्केट को, देख लीजिए कुछ ऐसी है मार्केट ये। अब इस साइड ट्रेडिशनल कपड़े बिक रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम हैं सोनमर्ग में और आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी हमने टेंट वेंट लगा लिया, खाना वाना हमने खा लिया है। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।